अजमेर के कृष्णगंज चौकी से महज कुछ दूरी पर होटल मानसिंह के सामने चोरों ने चाय की थड़ी को निशाना बनाकर उसमें रखी एलईडी टीवी, नकदी, चांदी की मूर्ति और सिक्कों पर हाथ साफ कर दिया। दुकान संचालक नारायण कुमार प्रजापत ने बताया कि रविवार सुबह जब दुकान पर पहुंचा तो दुकान का गेट की कुंडी टूटी मिली। जब अंदर जाकर देखा तो चोरी का पता लगा। प्रजापत ने बताया कि लगभग 70,000 रुपए के सामान चोरी हो गए, जिसके बाद कृष्णगंज थाने में मामले की शिकायत दी है और जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। ये सारी किस्म भरी चौकी से लमसवर दोस्तों और मानसी मोटी के साथ में आया। रात को मैंने 11 बजे मंगवर कब से गया था और सुबह 6 बजे यहाँ आया था तो ताला ने टूटा था। फोन भी तो रची हुआ मैं और सामान पूरे बिकते हुए थे, इसमें मतलब एलईडी टीवी प्रिंट और कुछ 6,000 मेदक थे और उसके और बीड़ी सिगरेट वो सब थे और मेरे एक चांदी का बासले भी था और कुछ चांदी की मूर्तियाँ भी थी वो भी चुरा के रह गया और चांदी के सिक्के भी थे गले में जो मतलब भगवान के सिक्के थे वो भी चुरा के लेने एक चेक का हिसाब लगाया तो 70,000 रुपये से आ रहा है। आसपास काफ़ी बार चोरी हो गई है अपन। हाँ यहाँ पे एक बार पहले ये आते वाले प्रयोजन के भी चोरी हुई थी। मेरी मानसिंह वो होटल वैशाली नगर LIC कॉलोनी के ऊपर पर डेरी रूम पर। आपने शिकायत दर्ज करवाई? मैंने शिकायत रिपोर्ट दर्ज करा दी। कहाँ पर? मैंने किशनगंज थाना में कराई है।